फोटोज फर्स्ट मैन फोटोज फोटोज कर दो पहले कर लो ना पहले दिस इज ब्रांड इम्पैक्ट गोल्डन ग्लोरी अवार्ड 2019 फॉर मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑन इंडियन टेलीविजन एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी फॉर दिस एंड बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है तो एंड स्पेशली अवार्ड जिससे मिलता है उसके पास से मतलब जो अवार्ड सम्मानित करता है वो भी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज फर्स्ट टाइम आई हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम प्रीति ज़िंटा एंड आई रियली लव हर अडोर हर एंड शी वाज लुकिंग ड्रॉप डेड गॉर्जियस लाइक ऑलवेज नवरात्र में हमेशा खुश रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है गुजरातियों का तो त्यौहार होता है लेकिन लास्ट पास्ट फ्यू ईयर्स में हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ एक एक्टर्स की नवरात्रि होनी चाहिए हु रियली लाइक्स प्लेइंग गरबा और मुझे हमेशा मौका नहीं मिलता है बिल्डिंग में चली जाती हूँ कभी कभी बट मोस्टली आई एम शूटिंग और बिजी विद समथिंग मैं तो बहुत कुछ सुन रही हूँ एंड आई हैव बीन लिटिल अपसेट फॉर सम रीज़न एंड आई थिंक आई हैव राइट्स टू बी अपसेट कि मेरी शादी भी तय कर देते हैं मुझे ऐसे लगता है मेरे बच्चे भी तय कर दिए जाएंगे मुझे ऐसे आई थिंक हु एम आई देन मेरी भी कुछ आई एम टुडेज गर्ल आई हैव ऑल द राइट्स टू रोम आउट विद हुएवर आई लाइक एंड आई थिंक अ मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग I have grown and learned a lot of things with my experience. And अगर मैं ये इतना beautiful चीज़ करूँगी मैं शादी करूँगी in future मैं छुपाऊँगी क्यों I don't see any reason to hide from the people I have been with जो मेरे करियर में हमेशा मेरे साथ रहे हैं सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिसको मन दुख हो जाए एज अ वुमेन आई हैव स्ट्रगल्ड स्टिल स्टैंडिंग टॉल And I have nothing wrong that कि मैं झुक के या चोरी से या क्राइम करूँ जो भी किया है आज तक खुले में किया है और मुझे ऐसा लगता नहीं है दैट कि आपको भी मुझे कोई ऐसा मौका देना चाहिए बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई करियर आई एम टॉकिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई हैव नेवर डन दिस सो प्लीज़ डोंट हर्ट मी एनी वेयर मैं शांत नहीं मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट योर जॉब बट मुझे पूछ लो ना आप एक बार मुझे भी पता है आई हैव अ फैमिली विच आई हैव क्रिएटेड दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स एंड आई हैव माय प्योर फैमिली एंड आई थिंक द टॉपिक विच यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कभी झूठ भी बोलूँगी अगर मैं शादी करूँगी तो डंके की चोट पर करूँगी शादी तोड़ी भी थी तो मैंने सबके सामने तोड़ी थी क्यों मैं झूठ नहीं करती और मुझे कोई ऐसी लगता नहीं है कि इट्स माई लाइफ आई कैन टेक अ राइट डिसीजन विच इज़ गुड फॉर एवरी वन मुझे बस हर्ट कर जाती है ऐसी न्यूज़ जब बाहर आती है ना तो इट्स जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट आई एम अ मैच्योर्ड वुमन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आस्क बिफोर स्प्रेडिंग सच रूमर्स थैंक यू